हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। साथियों, 60,244 यूपी कांस्टेबल भर्ती के री एग्जाम से संबंधित आज के लखनऊ के अमृत विचार न्यूज़पेपर में समाचार पत्र में एक खबर छपी है। अब सभी के सामने मैं इस खबर को पढ़ के सुना देता हूं। जुलाई में घोषित हो सकती है सिपाही भर्ती परीक्षा की तिथि। 43 लाख अभ्यर्थियों का खत्म होगा इंतजार। लोकसभा चुनाव के बाद अब उत्तर प्रदेश के 43 लाख युवा एक बार फिर से यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर बेचैन और अभ्यर्थी पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के नोटिफिकेशन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। उधर गृह विभाग के सूत्रों के मुताबिक 60,244 कांस्टेबल भर्ती की पुनः परीक्षा की तारीखों का जल्द ऐलान किया जा सकता है। माना जा रहा है कि जुलाई के पहले हफ्ते में, आज 3 तारीख हो गई है, जुलाई के पहले हफ्ते में परीक्षा की तिथियों का ऐलान बोर्ड कर सकता है। 17 व 18 फरवरी को यूपी पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने 60,244 कांस्टेबल पद के लिए परीक्षा कराई गई थी। परीक्षा में उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों के कुल 43 लाख अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया था। फॉर्म तो 48 लाख ने भरे, लेकिन जो एग्जाम देने गए उनकी बात हो रही है। लेकिन परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हो जाने के बाद सरकार को परीक्षा रद्द करते हुए आने वाले 6 माह के भीतर दोबारा परीक्षा कराने का निर्णय लेना पड़ा था। ऐसे में बोर्ड जुलाई में लिखित परीक्षा कराने की तैयारी कर रहा है और जो इसकी वो है वो पहले हफ्ते का यहां पर कहा जा रहा है। अब ये कितना सच है कितना नहीं, समाचार पत्र ने लिखा है और ये गृह विभाग के सूत्रों के हिसाब से लिखा है और ये साथ ही अमृत विचार करके एक समाचार पत्र है उसका ये यहां पर आप कह सकते हैं उसके हवाले से खबर आप तक पहुंचाई जा रही है। तो आप सभी बहुत ही ज्यादा बेसब्री थे, हम सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कम से कम एक संभावित तिथि पता चल जाए, कम से कम ये पता चल जाए कि भाई इस महीने में, इस हफ्ते में, इतने दिनों के अंदर यह परीक्षा होगी। तो थोड़ा और मोटिवेशन से और थोड़ी सी ऊर्जा से हम लोग पढ़ाई कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, हम लोग सोच रहे हैं कि इस बार ये जो संडे आ रहा है, आज बुधवार है, बृहस्पति, शुक्र, शनिचर, सबको बताने के लिए जो रविवार 7 तारीख आ रही है, एक बार फिर से छोटी सी ट्विटर कैंपेन करके देख लेते हैं, क्योंकि परीक्षा की तिथि मिलनी अब मतलब बहुत ज्यादा जरूरी है। भाई हमने सोचा कि चलो मई में मिलेगी, मई में नहीं, चलो जून भी निकल गई और अब जुलाई में तो आपको परीक्षा की तिथि मिलनी चाहिए। तो एक बार कोशिश करके और देख लेते हैं, आपका क्या कहना है आप सभी लोग बताइएगा। एक चीज और आप सभी लोग समझ लीजिए कि परीक्षा की तिथि आएगी और आप थोड़ा सा टेंशन में आओगे, कुछ लोग बहुत खुश हो जाएंगे कुछ टेंशन में। तो उससे निकलने का एक तरीका छोटा सा बता रहा हूं कि आप अपनी जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सभी सब्जेक्ट्स को अभी आपके पास टाइम है, ये देख लो कि भाई मैं कौन सा सब्जेक्ट के कौन से टॉपिक में मैं कितना तैयार हूं कितना नहीं हूं। इसके लिए आपको सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज जो रिवीजन होगा ये बहुत हेल्प करेगा आपको हर एक टॉपिक में आपकी वैल्यू बताने का कि आपको कितना आता नहीं कितना आता। मॉक टेस्ट डेली या 2 दिन 1 दिन छोड़कर, या तो डेली या 1 दिन छोड़कर जरूर लगाइए, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक बार 10 से 12 वाला और एक बार 3 से 5, मतलब जो 10 से 12 और 3 से 5 इसी समय में मॉक टेस्ट लगाने की कोशिश कीजिए। कुछ लोग हंसी उड़ाएंगे कि सर इस समय में क्या हो जाएगा, यही 2 शिफ्ट में आपका एग्जाम होना है तो आपकी बॉडी अगर इन 2 शिफ्ट में एक्टिव रही तो आप अच्छा करके आओगे। और अगर आपके सोने का समय रहा या आपके मौज मस्ती का तो आपकी बॉडी वहां पे एक्टिव नहीं रहेगी, आपको नुकसान उठाना पड़ेगा, ये मैं पहले बता दे रहा हूं। दूसरी बात, जब आप ये करोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि मार्क्स अटक कहां रहे, दिक्कत कहां रही है, तो आपको वीक पॉइंट्स का अंदाजा हो जाएगा, अपनी कमजोरियों का उनका विश्लेषण करो। अच्छा, ये टॉपिक जीके का, ये हिंदी का, ये मैथ का, ये रीजनिंग का मुझे परेशान कर रहा है, इस टॉपिक को अगर समय लगेगा तो मुझे नहीं करना, और फिर उसमें सुधार करो। मतलब अब ढिलाई मत दो कि आपको कोई और आपका जो वीक पॉइंट है उसे अच्छा कर देगा, उसे बेहतर कर देगा, ये आपको इस समय का यूज करना होगा। तो बिना व्यर्थ समय गवाए अपनी पूरी ताकत झोंक दो, जितनी भी मतलब बची हुई है, जितना भी समय है उसमें, यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको उन सभी टॉपिकों का बहुत अच्छे से आपके एनालिसिस हो। इसमें हम लोग तो मदद कर रहे हैं, सुबह 6 बजे करंट अफेयर, फिर 8 से 12 क्लास होती है, फिर शाम में 6 बजे से शुरू हो जाएंगी, 6 से 7 रीजनिंग, 7 से 8 मैथ, 8 से 9 मेरी हिंदी, 9 से 10 यूपी जीके, और 10 बजे आपके लिए 15 ये वाली सीरीज शुरू कर रखी है, जो 15 अपनी
सारथी सीरीज है, ठीक है बच्चा। तो अगर आप मेहनत करोगे तो आपको एक एक, और मैं फिर से एक बार अगर आप सब लोग चाहोगे तो अगर फिर से सभी सब्जेक्ट का टॉपिक वाइज लंबी लंबी क्लासेस से एक बार रिवीजन करा देते, जिससे कि हफ्ते में आपको सब कुछ रिवाइज हो जाए। मतलब इस महीने का टारगेट कम से कम जुलाई का 300 से 350 घंटे का टारगेट रखना होगा, 300 से 350 घंटे ये आपको पढ़ाई का टारगेट बनाना होगा। बेशक ये यूपी कांस्टेबल की जॉब क्यों ना हो, जबकि मुकाबला 45-50 लाख बच्चों से, वैकेंसी 60,244। तो अगर आप सब तुम लोग कहोगे तो मैं तुम्हें साथी वर्दी की शपथ, वर्दी की प्रतिज्ञा भी दिला दूंगा, क्योंकि अब जो लग गया बिल्कुल जुड़ के, बिल्कुल मेहनत से, समर्पण भाव से लग गया, वो उसका नहीं छूटेगा, उसको कोई समस्या नहीं आएगी। एक छोटी सी और जानकारी देना चाह रहे कि साथी मैं कुछ, मतलब अपना जो बेस है, मतलब मैं प्रयागराज शिफ्ट होना चाह रहा हूं। अब में से बहुत साथी अपने प्रयागराज के होंगे, बड़ी ही पावन और बड़ी क्रांतिकारी धरा है, तो मेरा बहुत दिनों से मतलब सपना था कि मैं वहां रह के गंगा के किनारे कुछ पढ़ाऊं, कुछ मेहनत करूं, कुछ शिक्षा के क्षेत्र में अपना भी योगदान दे पाऊं। तो साथी एग्जाम पर प्रयागराज भी आ रहा है, कुछ यूपी पुलिस कांस्टेबल प्रैक्टिस हो, यूपीएसआई हो, इन सब को लेकर। तो यदि आप सीरियस हैं और चाहते कि नहीं सर हम प्रयागराज उसके आसपास ही आ सकते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो यहां पर साथी लिंक लगा हुआ है। ये किसका लिंक है? ये ऑफलाइन क्लासेस के से जुड़ने का गूगल फॉर्म। सीरियस हो, गंभीर हो तो ही भरना, स्पैम मत करना। तो आप इसमें तीन डिटेल दे सकते हैं, किस कोर्स के इच्छुक है, नाम क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, इतना सा। बाकी आप सभी से फिर से एक चीज कहूंगा कि ये जो समय है ना, इसकी गंभीरता समझो। ये जो अखबार की चीजें हैं, ये आपको बताती हैं, आपको जगाती हैं। देखिए दो चीजें हैं, एक है या तो आप सोते रहो या फिर उठो, जगो और अपनी उम्मीद और जो अपना सपना है, जो तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी है, उसका एहसास करो और कर दो इतनी जबरदस्त मेहनत कि इस बार जो तुम्हारा हक है वो मेरिट में ऊपर दिखाई दे, नीचे दिखाई ना दे। तो सभी लोग अब जरूर बताना कि शपथ प्रतिज्ञा लेना चाहोगे, नहीं चाहोगे, या फिर आपके लिए और कुछ करना चाहें, और कुछ आपको किसी विषय में कुछ आपको दिक्कत हो तो उसके लिए भी हम लोग रेडी है, जरूर आपके लिए पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है बच्चा। बाकी इस बार रविवार को एक बार और ट्विटर कैंपेन छोटी सी करते हैं, मतलब इस समय अब ढिलाई बरतने की जरूरत नहीं है, वरना फिर ये बहुत लंबा खिंच जाएगा, समझ रहे हैं आप सभी लोग। तो ये अमृत विचार की आज की न्यूज है इस हफ्ते का, बता रहे हैं। इस हफ्ते 7 तारीख रविवार को खत्म हो जाएगी, उससे पहले आ जाता अच्छी बात, नहीं तो रविवार को हम लोग फिर से, समझ गए आप सभी लोग। तो कमेंट्स के माध्यम से अपनी बात जरूर कीजिएगा और बढ़िया से प्लान बनाइए, उन सब्जेक्ट का पता लगाइए, उन टॉपिक का जिनमें कमजोर है, और फिर उन्हें ठीक करने का। और बाकी जो साथी प्रयागराज जुड़ना चाहे वो गूगल फॉर्म जरूर भरना, एग्जाम प्रोफिशियल एप्लीकेशन आप सभी लोग जरूर डाउनलोड कर लें, उस पर साथी आपके फ्री में टेस्ट सीरीज हो या फिर आपके लिए सेक्शनल टेस्ट सीरीज हो, ये सब लोग उपलब्ध है, सारी चीजें बिना किसी कॉस्ट के। तो चलिए जैसे कोई और न्यूज आती है, कोई और किसी चीज के बारे में पता चलता है, तो कोशिश करके उसके बारे में भी आपको जरूर बताएंगे। तब तक के लिए आप बने रहें, कमेंट्स करके अपनी फीलिंग, अपने मन की बात जरूर बताएं, ट्विटर कैंपेन भी करेंगे, 3 दिन का समय सब तक अपनी बात पहुंचाने का। और साथी आप लोगों का जो काम है अपनी एनालिसिस करने का, अपने अंदर क्या कमी है विश्लेषण करने का, उससे मत चूकना, यही समय मेहनत का। बाकी मैं जल्दी आपको प्रतिज्ञा दिलाने वाला हूं इस महीने 300-350 घंटे मेहनत करने की। जब 300-350 घंटे का वो आता है, बात आती है, तो कई हो के तो जख्म भरे से हो जाते हैं कि सर क्या कर रहे हो, ये तो मर जाएंगे, 300 कुछ ना पड़ेगा तुम पर, सर तुम इतने ढीठ हो चुके हो, तुम 300-350 घंटे 400 घंटे पढ़ लोगे ना, तुम पर कुछ असर नहीं होगा, मजा ही आएगा तुम्हें पढ़ने में, अब तुम इतने पक चुके हो, ठीक है। तो इसलिए पढ़ो, मेहनत करेंगे बढ़िया से, ठीक है बच्चा। चलिए फिर आज के लिए इतना ही, सभी लोग गूगल फॉर्म जरूर भरिएगा जो सीरियस है। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।